हेलो स्टूडेंट्स एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड बायो के सेकंड पेपर में हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन स्टडी कर रहे हैं और इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने फॉर्मेशन ऑफ यूरिन स्टडी किया था जिसमें हमने देखा था कि यूरिन फॉर्मेशन जो है वो तीन स्टेप्स में होता है पहला फ़िल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द किडनी सेकेंड रीअबज़ॉर्बशन ऑफ असेंशल सोल्यूट्स इन द ट्यूब्यूल्स और थर्ड था ट्यूब्यूलर सिक्रीशन तो इससे पहले के दो लेक्चर्स में हम जो है वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ग्लोमिरुलर कैप्सूल जो है वो स्टडी कर चुके हैं जिससे कि हमने देखा था नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है यह नेफ्रिक फिल्ट्रेट फिर जो है वो रिनल ट्यूब्यूल्स में एंटर होता है जहाँ पर असेंशियल सोल्यूट्स जो हैं वो रीअबॉर्ब हो जाते हैं आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का ट्यूबुलर सिक्रीशन आई एम डॉक्टर भारती प्रकाश एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ़ जोआलॉजी एस पी सी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है उसमें मटीरियल्स का ट्रांसफ़र जो है वो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी से रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन में होता है यानी कि ये जो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का जस्ट रिवर्स होता है वहाँ पर क्या हो रहा होता है रीनल ट्यूब्यूल से सब्सटेंसेस जो हैं वो पेरी ट्यूबुलर में एंटर होती हैं लेकिन ट्यूबुलर सिक्रीशन में इसका रिवर्स हो रहा है पेरी ट्यूबुलर से मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र होकर जो है वो ट्यूबुलर ल्यूमिन में आ रहे हैं सिक्रीशन का प्रोसेस जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव डिफ्यूज़न दोनों तरह से होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है वो प्रोक्सिमल कॉन्वेलेटेड ट्यूब्यूल डिस्टल कॉन्वेलेटिड ट्यूब्यूल दोनों में होता है जहाँ पर जो है सब्सटेंसेस पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी से अनफिल्टर्ड सब्सटेंसेस पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी से ट्यूबुलर ल्यूमिन में एंटर होते हैं यह एक सपोर्टिंग मैकेनिज्म होता है फिल्ट्रेशन और रीएबज़ॉर्बशन मैकेनिज्म के लिए ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स होते हैं वो नॉन थ्रेश होल्ड सब्सटेंसेस और फॉरन मटीरियल्स को जो है वो रिमूव करते हैं ब्लड में से ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं इन टू द ट्यूब्यूलर ल्यूमन जितने भी नॉन थ्रेश होल्ड सब्सटेंसेज हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यानी कि जिसे हम कहते हैं दे आर सिक्रीटेड क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करते हैं यूजुअली कुछ सब्सटेंसेस ही हैं जो सिक्रीट होते हैं जो कि टिपिकली वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं यूरिन जो होता है वो क्या होता है वो एक लेफ्ट ओवर सब्सटेंस होता है कलेक्टिंग डक में रीऑब्जॉर्बशन और सिक्रीशन के बाद जो बचता है वो कहलाया जाता है यूरिन नो मकैनिज़म ऑफ सिक्रीशन सिक्रीशन का जो मैकेनिज्म है वो रीअब्जॉर्बन की तरह ही होता है बस जैसे अभी शुरू में हमने देखा था ये एक अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसमें पैसिव डिफ्यूजन भी होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है पैसिव डिफ्यूजन जो है उसमें मूवमेंट्स जो है मॉलिक्यूल molecule, जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूड में आता है विद इन द नेफ्रॉन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी यही मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का पर इसको को यहाँ पर क्या जरूरत है ए पंप की ज़रूरत होती है जिससे कि सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है रीनल एपिथेलियल सेल से नेफ्रॉन के ल्यूमेन में रीनल सिक्रेशन जो है वो रीअबॉर्बेशन से डिफरेंट है कैसे क्योंकि ये जो डील कर रही है ये फिल्टरिंग और क्लीनिंग जो है वो सब्सटेंसेस की यहाँ पे हो रही है यहाँ पे रीअब्जॉर्बशन में क्या था असेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रिटेन कर रहे थे यहाँ पर जो है उनका जो नॉन असेंशियल सब्सटेंसेस हैं उनका फिल्ट्रेशन और क्लीनिंग हो रहा है वो सब्सटेंसेस जो कि ट्यूबुलर फ्लूड में सिक्रीट होते हैं रिमूवल के लिए बॉडी से वो हैं पोटेशियम आयन्स हाइड्रोजन आयंस अमोनियम आयन्स क्रिएटिनिन यूरिया कुछ हॉर्मोन्स एंड सर्टेन ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, ट्यूबुलर सिक्रीशन हमने देखा पूरे के पूरे जो है नेफ्रॉन में डिफरेंट पार्ट्स में हो रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल से लेकर कलेक्टिंग डक्ट के एंड तक जो है नेफ्रॉन के यह ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है और अनफिल्टर्ड सब्सटेंसेस जो हैं वो मूव होती हैं पेरी ट्यूबुलर से ट्यूबुलर ल्यूमन में ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है हाइड्रोजन और अमोनियम आयन्स का ब्लड में से वो ट्यूबुलर फ्लूइड में इन्वॉल्व होता है ताकि ब्लड का पीएच रेगुलेशन जो है वो हो सके जो मूवमेंट है इन आयन्स का वो जो है वो मदद करता है टू द सोडियम बाइकार्बोनेट यूरिन का टिपिकल पीएच जो है वो सिक्स होता है जबकि आइडियली जो है ये सेवन पॉइंट फाइव से सेवन पॉइंट फोर फाइव जो है वो इसका पीएच होता है पीएच रेगुलेशन जो है वो यूजुअली हमने स्टडी किया था वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस है लेकिन ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो भी पी एच की जो मेनटेन करने में मदद करता है नौ यूरिन अब जो फॉर्म हो रहा है आफ्टर ऑल द प्रोसेस जो कि रीअब्जॉर्बन और ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद जो यूरिन फॉर्म हो रहा है फिल्ट्रेशन रीअबॉर्ब्शन और सिक्रीशन के बाद वो अब क्या करेगा किडनी को लीव करेगा और एंटर करेगा इनटू द यूरेटर यूरेटर फिर जो है ये यूरेटर से ब्लैडर में ये स्टोर होता है बिफोर बींग रिमूव फ्रॉम द यूरेथ्रा और फाइनल स्टेज में जो है जब यूरिन जो एक्सक्रीट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली वन परसेंट ही होता है टोटल फिल्टर्ड वॉल्यूम से जो फिल्ट्रेशन हुआ है नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो फॉर्म हुआ है उसके बाद जो वॉल्यूम यूरिन का एक्सक्रीट होता है वो सिर्फ़ वन परसेंट ही उसका जो है वो होता है ना इस फिगर में हम इजीली समझ सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर ये ईफरेंट आटीरियल है और ये ईफरेंट आटीरियल है ये एफरेट आटीरियल है ये ग्लोमुलस है यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा जो है उसका फिल्ट्रेशन होता है तो नंबर वन फर्स्ट स्टेप जो है वहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है वोमेंस कैप्सूल में यह जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है फिर एंटर होता है इनटू दी रीनल ट्यूब्यूल्स जहाँ पर कि असेंशियल सब्सटेंसेस और सॉल्यूट्स और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है तो यहाँ से सेकेंड स्टेप में हम देख रहे हैं रीअब्जॉर्ब सब्सटेंसेज जो हैं वो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में एंटर हो रहे हैं और थर्ड स्टेप जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन जिसमें क्या हो रहा है पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज में से नॉन असेंशियल सब्सटेंसेज और नॉन थ्रेशल सब्सटेंसेज और सब्सटेंसेज जिनको एक्सक्रीट होना है वो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज से कहा आ रहे हैं इन टू द ट्यूबुलर ल्यूमन और फोर्थ स्टेप जो है एक्सक्रीशन का यानी कि जो भी इस पूरे फिल्ट्रेशन uh, री और सिक्रीशन के बाद जो क्वांटिटी बची जो यूरिन फॉर्म हुआ वो अब फोर्थ स्टेप में एक्सक्रीट होता है यानी कि एक्सक्रीशन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्सॉर्पेशन प्लस सिक्रीशन अगेन इस फिगर में भी हमको इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देख सकते हैं दिस इज दोमैंस कैप्स्यूल ये अप्रॉक्सीमेटली कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल है ये है हेनल्स लूप है और ये जो है वो डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं और ये है कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे डिफरेंट कलर्स जो है वो डिफरेंट चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं जैसे कि हम रेड एरोस वाली जितनी भी हैं वो दिखा रहे हैं री तो जो भी असेंशियल सब्सटेंसेस सॉल्यूट्स और वाटर्स हैं वो जो पूरे रीनल ट्यूब्यूल में प्रोक्सीमल से लेके डिस्टल और फिर कलेक्टिंग डक्ट में जो भी रेड एरोज़ हैं वो दिखा रहे हैं कि असेंशियल सॉल्यूट्स वापस में जो है वो री एब्जॉर्ब हो रहे हैं इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जबकि ग्रीन एरोज जो हैं वो दिखा रही हैं सिक्रीशन यानी कि वो सब्सटेंसेस जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से रीनल ट्यूब्युलर में एंटर हो रही हैं जिनको एक्सक्रीट होना है ठीक है और जो कि बाकी जो हम देख सकते हैं जो पर्पल लाइन्स हैं वो कलर है वो बता रहा है कि कौन सा पार्ट जो है वो इसका नेफ्रॉन के कौन से पार्ट जो है वो पर्पल कलर बता रहा है तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरह से कि असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रीअबॉर्ब हो रहे हैं और बाकी सब्सटेंसेस जो हैं वो जो कि एक्सक्रीट होने हैं उनका सिक्रीशन हो रहा है और किस तरीके से यूरिन जो है वो फॉर्म हो रहा है ऑरेंज कलर जो है यहाँ पे वो दिखा रहा है कि किस तरीके से जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बन हो रहा है वो हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हो रहा है सो so लास्ट में व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन जो फॉर्म हो रहा है यूरिन 95% परसेंट वाटर होता है और 5% परसेंट जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें नाइट्रोजेनस वेस्ट जो एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में वो होते हैं यूरिया क्रेटिनिन अमोनिया एंड यूरिक एसिड और आयंस जैसे सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन और कैल्शियम ये भी यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं सो so स्टूडेंट्स आज हमने फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है उसको कंप्लीट किया है नेक्स्ट टॉपिक में हम काउंटर करेंट मकैनिज़म ऑफ यूरिन जो है उसको स्टडी करेंगे